शहर जे आहे चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये फार पुढे येत आहे आणि संदेश गौर सारखा कलाकार यांनी या आधी सुद्धा एक चित्रपट दिलेले आहे. हा त्यांचा तिसरा चित्रपट आहे. मी याआधीचा सुद्धा मीरा पिक्चर मी पाहला. त्यामध्ये सुद्धा यांचा चांगला अभिनय होता आणि हा मराठी चित्रपट आहे. संदेश गौर जे आहे ते नागपूरचे मूळचे राहणारे आहेत आणि ते मेयो हॉस्पिटलसमोर राहतात. लहानचे मोठे ते तिथे बजुरियामध्ये झालेले आहे आणि त्यांचे वडीलसुद्धा नागपूरचेच आहे. आणि हा मुली कलाकार पाहता पाहता नागपुरातून मुंबईमध्ये गेला आणि मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीमध्ये रुळाला आणि चांगलं त्यांनी हे दोन हिंदी चित्रपट आणि आता हा त्यांचा मराठी चित्रपट जो एक चांगला दर्जेदार चित्रपट या ठिकाणी आज आम्हाला पाहावयास मिळत आहे. हॅलो नागपूर, नमस्कार. मैं संदेश गौर नागपूर से ही हूँ और मैं एक आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ एक मराठी फिल्म झिंग प्रेमाची, जिसका आज यहाँ पे प्रीमियर है केसेरा सेरा मिनीप्लेक्स में. और सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे नागपुर शहर से MLA सर मिनी माने जी का, हमारे डेप्यूटी मेयर नागपुर शहर दिलीप दीपराज जी सर, और मेरे मामा जी दिलीप गौर जी, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा और तमाम लोग जितने लोग मेरे प्रीमियर में आए हैं, और मीडिया सहकर्मी, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट दिया और इस खुशी के मौके पे भी आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए. ये फिल्म बेसिकली लव के साथ साथ म्यूजिकल बेस्ड लव स्टोरी है, जिसमें गाने बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है. मेरे साथ में शीतल तिवारी जी और गणेश यादव जी इस फिल्म में नज़र आएंगे आपको. इस फिल्म के बारे में अगर कहूँ तो ये कहना चाहूँगा मैं कि नागपुर के कलाकार मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं. जो मेरी फिल्म है झिंग प्रेमाची, इसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जिसका नाम है दीपक, जो कि फिल्म का लीड हीरो है. ये डेडिकेटेड बंदा है, बहुत फोकस है अपने स्पोर्ट्स के लिए. लेकिन वो कहते हैं ना टीनेजर में एक प्यार जैसी कोई चीज़ हो जाती है और पता नहीं चलता कि वो प्यार है, लाइकिंग है या अट्रैक्शन या इन्फेस्टुएशन है. तो वही इस फिल्म में दिखाने का पर्पस है कि टीनेजर एज में जो चीज़ें घटती है बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं उनके फादर एंड मदर ने उनको एक काउंसलिंग देना चाहिए कि टीनेजर में ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, जो कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं. तो हमारी फिल्म का भी उद्देश्य यही है कि सब्जेक्टिव फिल्म है कि ताकि अपने माता पिता जो उनके बच्चे जो 10th 11th 12th में जा रहे हैं वो कुछ भूल ना कर बैठे, कि जिससे पूरे परिवार को कुछ भुगतना पड़े. और पूरे नागपुर वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आए, मेरी फिल्म को देखें, मुझे बहुत सारा प्यार दें, आपके बेस्ट विशेष दें. और ये फिल्म मेरी लगी जानकी में, शाम में 6 बजे का शो है और के सेरा सेरा मिनी प्लेक्स बेसा चौक मारेवाड़ा रोड पे आफ्टरनून 3:30 का शो है. तो आप सब लोग आए और ये फिल्म देखा, खूब इन्जॉय करें, खूब मजे से.